हर हर महादेव। पल्ली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जिला बीड़, महाराष्ट्र, पांचवा महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं सत्यवान सावित्री यहीं रहते थे। यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने की प्रतिज्ञा यहां उन्होंने नारायण पर्वत पर पल्ली में ही की थी। कुछ विद्वानों का इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मतभेद है कि वैजनाथ मंदिर देवघर में है। अगर कन्याकुमारी से उज्जैन के मध्य रेखा खींची जाए तो पल्ली पर दिखाई देती है, इसे ज्योतिर्लिंग मानते हैं। पर हम तो भोले के भक्त हैं, हमें इन मतभेदों से कोई मतभेद नहीं है। हम हर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धा रखते हैं। हर हर महादेव। हम इस समय हैं पल्ली में, पल्ली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत खुश हैं। महादेव के दर्शन करेंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे माँ गौरा का भी आशीर्वाद हमें दिलवाए और भगवान गणेश का भी आशीर्वाद हमें दिलवाए। और महादेव के दर्शन करने हम जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। रानी अहिल्याबाई ने सन 1700 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। औंधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से 130 किलोमीटर पर है। पल्ली वैद्यनाथ संचालित यात्री भक्त निवास मंदिर की सीढ़ियों से लगा हुआ है। मामूली शुल्क पर यहाँ पर रह सकते हैं। गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था रहती है। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है, अभिषेक और दर्शन शुरू हो जाता है। अभिषेक के लिए काउंटर पर टिकट निकलवानी होती है, जो कि आपके पंडित आपके लिए करेंगे। वैद्यनाथ यानी कि स्वास्थ्य के देवता, जो कि आरोग्य देते हैं, शरीर की परिवार की व्याधियों को हरते हैं। इस मंदिर में ही 11 अन्य ज्योतिर्लिंग मंदिर भी हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व से और निकास उत्तर द्वार पर है। यह शनि देव तथा नारद जी का एकमात्र मंदिर है जो आपको यहीं मिलेगा। गर्भगृह की बाहर गणेश जी विराजते हैं और पार्वती माता जी भी विराजी हुई दिखाई देती हैं। मंदिर के 4 दिशाओं में 4 दीपक जलते रहते हैं और सभागृह के सामने 3 पीतल के नंदी महाराज हैं। आप देख ही रहे हैं, गर्भगृह मध्यम आकार का है। समय में आपको लाइव पूजा दिखा रही हूँ। कुल 7-8 लोग ही एक समय में अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर 9:30 बजे रात को बंद हो जाता है। यहाँ गर्भगृह में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण में। मंदिर परिसर के भीतर एक बड़ा सागौन की लकड़ी का हॉल है और परिक्रमा के लिए एक बहुत बड़ा दालान है। 2 तालाब हैं, दोनों का धार्मिक महत्व है। मंदिर की भव्यता को बढ़ाते हैं ये तालाब। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को महाद्वार के रूप में जाना जाता है। यह एक छोटे प्रवेश द्वार से घिरा हुआ है, जिसे प्राची या गवाक्ष के नाम से ही जाना जाता है, जिसका अर्थ है खिड़की। मंदिर तक चौड़ी सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। समुद्र मंथन के बाद देवों को किस तरह अमृत मिला, इसकी कथा भी इसी देवालय से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन दूध मंथन का सागर था। विष और अमृत सहित 14 रत्नों का उदय हुआ। भगवान विष्णु ने धन्वंतरी और अमृत दोनों को छीन लिया, उन्हें एक शिवलिंग के अंदर छिपा दिया, जैसे कि राक्षस अमृत पर आक्रमण करने वाले थे। क्रोधित राक्षसों ने लिंग तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इसे छुआ तो इसमें से तेज रोशनी निकली। राक्षस चौंक गए और वहां से चले गए, क्योंकि यहीं पर देवों को अमृत मिला। इस बस्ती को वैजयंती के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर को पल्ली वैजनाथ का नाम दिया गया। इस मंदिर से जुड़ी एक और कथा है। कहा जाता है रावण ने यहाँ तपस्या की और शिव तांडव स्त्रोतम को गहरी आवाज में गाया। भगवान शिव रावण के समर्पण से प्रभावित हुए, उनके इरादों के बारे में पूछा। रावण ने अद्वितीय लिंगम का अनुरोध किया। भगवान शिव ने रावण को कठोर आदेश के साथ लंका वापस जाने के लिए एक विशेष लिंगम दे दिया। महादेव ने निर्देश दिया, इसको वहीं पर ही रखना जहां पर तुम्हें इसे स्थापित करना हो। लेकिन रावण जैसे ही उसे लेकर चला, वो समय के साथ साथ भारी होता चला गया। इतना भारी हो गया कि रावण को उसे एक जगह रखना ही पड़ा और वह वहीं पर ही स्थापित हो गया। वहां से टस से मस नहीं हुआ और वहीं पर ही ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। पल्ली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में शिवालय में जाने का रास्ता इतना संकरा है कि वहां पर जाना बहुत ही कठिन है। एक बार तो लगता है वहां तक पहुंचा ही नहीं जाएगा, लेकिन मोटे से मोटा आदमी भी वहां पर आराम से पहुंच जाता है। गर्भगृह मेरे पीछे है, जहां पर मैं यहां घंटी बजा रही हूं ना, इसके पीछे जो ग्रिल लगी हुई है उसके सही पीछे गर्भगृह है। वहां पर शिवलिंग स्थापित है। अब बाहर आ गई हूं। मंदिर के परिसर में भी बाहर बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, उनके साथ नंदी माता की भी प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगता है जैसे आपने 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, क्योंकि सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम से एक छोटा छोटा सा देवालय यहाँ पर बना हुआ है।
आप देख रहे होंगे ये ज्योतिर्लिंग अंदर से बेहद रंगीन है। कितनी खुशनुमा रंग लगे हुए हैं इसकी दीवारों पर, चित्र बने हुए हैं। हमने यहाँ आकर हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और बहुत अच्छा महसूस किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों के भी मैं दर्शन कराऊंगी। इस समय मैं एक महीने की तीर्थ यात्रा पर निकली हुई हूँ। इसमें मैं सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले दूसरे देवालय और मंदिरों के भी दर्शन कराऊंगी, तो आपको भी जरूर करवाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव।